खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट या सांसद खेलकूद प्रतियोगिता हो, जहां इन्होंने एक नई खेल संस्कृति को आगे बढ़ाया है, युवा उसमें आगे आ रहे हैं, वहीं सरकार ने अपने स्तर पर भी अनेक प्रयास प्रारंभ किए हैं। हम लोग स्वयं उत्तर प्रदेश के अंदर अभी ओलंपिक और पैरालंपिक में जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया, देश के लिए मेडल जीते, उत्तर प्रदेश के उन सभी खिलाड़ियों को अभी हम लोगों ने गत सप्ताह ही लखनऊ में आमंत्रित किया था और लखनऊ में 1 अक्टूबर को उन सबका हम लोगों ने भव्य समारोह में उनका स्वागत किया था, उन्हें प्रदेश सरकार की तरफ से सम्मान भी दिया था। आप सोचिए, अगर कोई एकल गेम में ओलंपिक में मेडल प्राप्त करता है, स्वर्ण पदक प्राप्त करता है, तो हम प्रदेश सरकार की तरफ से उस खिलाड़ी को 6 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करते हैं। अगर वह रजत पदक प्राप्त करता है तो उसे हम लोग 3 करोड़ रुपए की राशि उसे प्रदान करते हैं, और अगर कांस्य पदक जीतता है तो 1 करोड़ की राशि हम उसे प्रदान करते हैं। 3 गेम में राशि 3 करोड़, 1.5 करोड़ और 75 लाख, इस रूप में हम उन खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदान करते हैं। ऐसे ही एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रतियोगिताओं में भी प्रतिभाग करने के लिए भी और वहां पर देश के लिए मेडल जीतने के लिए भी अलग से प्रोत्साहन करने के साथ ही उनके लिए हम लोगों ने सर्विस में भी स्पेशल व्यवस्था की है। आपने देखा होगा गत वर्ष 2020 के टोक्यो ओलंपिक में उत्तर प्रदेश के हॉकी टीम के एक सदस्य श्री ललित उपाध्याय ने, उस टीम के सदस्य के रूप में भारत की हॉकी टीम ने कई वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता। हमने उस टीम का भी सम्मान किया था और श्री ललित उपाध्याय को सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस में डिप्टी एसपी के पद पर हमने सीधी नियुक्ति उन्हें दी। इस बार 2 खिलाड़ी उत्तर प्रदेश के भारतीय हॉकी टीम के हिस्सा बने थे, जिसमें श्री ललित उपाध्याय भी थे और श्री राजकुमार पाल भी। श्री राजकुमार पाल को भी हम लोग इस बार भी भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन के कारण और मेडल जीतने के कारण उन्हें भी हम सीधी नियुक्ति देंगे। वक्ताओं के कल्याण के लिए भी सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की, बहुत सारे कार्यक्रम प्रदेश सरकार की ओर से यहां पर प्रारंभ हुए हैं, चाहे वह अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि को बढ़ाने का कार्य हो। हम लोगों ने अब तक प्रदेश में इसके लिए एक कॉर्पस फंड ही 500 करोड़ रुपए का बना दिया है कि किसी भी अधिवक्ता की असमय मृत्यु होने पर उस अधिवक्ता को हम लोग जो पहले 1.5 लाख रुपए मिलता था उस राशि को ही बढ़ाकर के 5 लाख रुपए उसके परिवारजनों को उपलब्ध करवाने का कार्य, और इस राशि को अब तक हम लोगों ने बढ़ाने की कार्रवाई की है। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी 18 अगस्त को हम लोगों ने 577 ऐसे जो दिवंगत हुए अधिवक्ता थे उनके परिवारजनों को माननीय मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के अध्यक्षता में जो समारोह आयोजित हुआ था उसमें 28 करोड़ 31 लाख रुपए की राशि का वितरण सीधे सीधे यहां पर उन परिवारों को किया गया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग 134 करोड़ रुपए उन दिवंगत परिवारों को अधिवक्ता कल्याण निधि की राशि से वितरित कर चुके हैं। इसके साथ ही हम लोगों ने इसमें अधिकतम आयु की जो सीमा थी, पहले थी कि 60 वर्ष तक की उम्र में अगर कोई अधिवक्ता दिवंगत होता तो उसी परिवार को मिलेगा, तो हम लोगों ने अब इस सीमा को भी 70 वर्ष तक बढ़ा दिया कि 70 वर्ष तक की आयु में भी अगर कोई अधिवक्ता दिवंगत होता है तो उस अधिवक्ता के परिवार को भी हम इस राशि से आच्छादित करेंगे और उन्हें इस व्यवस्था के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। अन्य तमाम प्रकार की सुविधाओं को भी हम लोगों ने अधिवक्ताओं के लिए प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने का कार्य किया।